से श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई है। पार्क में बने डिग्गी में डूबे दोनों बच्चे, डिग्गी में बारिश का पानी किया था इकट्ठा। जवाहर नगर के इंदिरा वाटिका पार्क का ही मामला है, पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। इतना मिली थी तलाई बाग के पास में फार्म हाउस है, जिसमें एक व्यक्ति सुसाइड कर ली है। उसी इतला पे मौके पर मैं पहुंचा तो एक कमरे में एक व्यक्ति है, मृतक का नाम है मदन गुजर, पिताजी का नाम है पांचू राम गुजर, और ये गांव है नगर तहसील मालपुरा थाना पचेवर जिला टोंक का रहने वाला है। यहाँ चौकीदारी का वह अन्य काम करता था, और ये फार्म हाउस है रामू जी शोरूम वाले हैं, उनका फार्म हाउस है, इस पर काम करते थे, जिसने गले में रस्सी का फंदा लगा करके ये काम किया है। श्रीगंगानगर में लगातार दो दिनों के अंदर 7 बच्चों की जो है वो मौत हो चुकी है, पानी की जो डिग्गी बनी हुई थी उसके अंदर डूबने से। इस समय श्रीगंगानगर की इंदिरा वाटिका जो है उसके अंदर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये पानी की जो डिग्गी बनी हुई है, और इस डिग्गी के अंदर डूबने से बताया जा रहा है कि 2 बच्चे जो है वो छोटे छोटे थे, जो यहाँ पर आए थे नहाने के लिए, उनकी डूबने से मौत हो चुकी है। और ये यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है कि जो 2 बच्चे हैं वो और थे, और उसी को लेकर ये जो है वो ये जो रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार जो है वो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा अगर है तो उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक लगभग इनको इस डिग्गी के अंदर ढूंढते हुए 2 घंटे के करीब जो है वो हो चुके हैं, और इनने अभी तक कोई भी बच्चा नहीं मिला है। तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 2 बच्चे और थे वो अपने आप बाहर निकल चुके हैं, और जो 2 बच्चे हैं उनकी मौत हो चुकी है। और दुखद घटना कही जा सकती है, क्योंकि पड़ोस की जो झोंपड़पट्टी इलाके है उसके अंदर रहने वाले ये जो 2 बच्चे हैं वो बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन का जो अमला है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुका है, और जो बच्चे जिनकी मौत हुई थी वो जिला अस्पताल के अंदर जो मोर्चरी बनी हुई है उनके अंदर उनके शवों को रखवा दिया गया है। तो निश्चित तौर पे बरसात के बाद में ये जो दुखद घटना है ये लगातार दूसरी जो है वो सामने आई है। कल श्रीगंगानगर का जो रामसिंहपुरा थाना इलाका है वहां पर जो है वो 5 बच्चों की मौत हुई थी, एक ही परिवार के 5 बच्चे जो है वो बताए जा रहे हैं, 2 जो है वो सगे भाई और बहन थे, और ये जो है 2 बच्चे जो है यहाँ पर जो मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं पे निश्चित तौर पे ये जो बरसात का जो सीजन है इन बच्चों के लिए मौत का ग्रास बन के आया है। मैं कैमरामैन रामकिशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत।